सुजानपुर की बैरी पंचायत में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में 15 पंचायतों में लगभग 500 गैस सिलेंडर कनेक्शन हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत आवंटन किए गए। कार्यक्रम में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। धूमल ने संबोधन के दौरान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का समय भी याद करवाया कि जब युद्ध के दौरान उन्होंने लोगों को हर हफ्ते उपवास रखने का आह्वान किया जिससे वीर सैनिकों के खाद्य आपूर्ति को पूरा किया जा सके, और पूर्व प्रधानमंत्री के कहने पर देश के करोड़ों लोगों ने उपवास कर अपने वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, और उसी तरह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश की माताओं व बहनों को लकड़ी और कोयले के धुएं में अपने जीवन को बिताते देख पूरे देश में उज्ज्वला गृहिणी योजना देखकर हर मातृशक्ति को कई बीमारियों से मुक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरे देश से गैस सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया था जिसमें लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी और 16 लाख लोगों को देश के प्रति जागरूकता देख अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में चूल्हा व सिलेंडर उपलब्ध करवा चुके हैं। धूमल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वे हमेशा पूछती है कि डबल इंजन विकास कार्य कहीं दिखाई नहीं देता, तो उन्हें अपनी आंखें खोलकर जनता रूपी चश्मे से जनता के बीच रूबरू होंगे तो उन्हें खुद पता लग जाएगा कि डबल इंजन से काम चल रहा है। जहां केंद्र सरकार ने उज्ज्वला गृहिणी योजना चलाकर लगभग 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गृहिणी योजना के तहत जोड़ा है, और जो महिला केंद्र सरकार की योजना में शामिल नहीं हो पाई उन्हें हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने 2.5 लाख कनेक्शन हिमाचल गृहिणी योजना के तहत देकर मातृशक्ति को लाभान्वित किया है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह, महामंत्री पवन शर्मा, उपाध्यक्ष अंजना ठाकुर, प्यारचंद, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, बैरी पंचायत प्रधान रेखा शर्मा व भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के साथ हमीरपुर जिला में साल 2020 में ग्राम पंचायतों की चयन प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है जिसके तहत कुछ नई पंचायतें भी बनेंगी। इसी संदर्भ में टोणी देवी वार्ड नंबर 3 के अंतर्गत आने वाले गांव डुग्गा कला के ग्रामीणों ने डुग्गा गांव को किसी अन्य पंचायत में न मिलाने हेतु उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि डुग्गा कला जो कि वार्ड नंबर 3 के नाम से जाना जाता है और ग्राम पंचायत डुग्गा में आता है, उसे नई पंचायत में शामिल करने की सिफारिश आई है जो कि ग्रामीणों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, जिसका विरोध जताने के लिए ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया। गांववासी ठाकुर रतन सिंह का कहना है कि उनके गांव को किसी अन्य पंचायत में डाला जा रहा है जबकि उनका डाकघर, प्राइमरी स्कूल पटवार घर, पशु चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्र डुग्गा पंचायत के अधीन आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पंचायत बदल दी जाती है तो उन्हें काफी परेशानी होगी और जरूरी कामकाज निपटाने के लिए दूसरी जगह भटकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर गांववासियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, उनके गाँव को ग्राम पंचायत डुग्गा से निकालकर दूसरी पंचायत में न डाला जाए। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने बयान दिया है। राजेंद्र राणा ने नागरिकता बिल पर कहा कि केंद्र सरकार अपना रास्ता भटक गई है, लेकिन आज देश की सरकार ऐसी ऐसी चीजें ला रही है ताकि लोग धर्म और मजहबों में बंटे और लड़ते रहें। उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं को लेकर सरकार को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि महंगाई चरम पर है, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है, मगर लोगों का ध्यान इस ओर न जाने के चलते केंद्र सरकार नागरिकता बिल में उलझा कर समस्याओं को अनदेखा कर रही है। राजेंद्र राणा ने कहा कि
किसी भी देश के लिए खस्ता हाल अर्थव्यवस्था में काम करना खतरे की घंटी होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीडीपी भी भारत से ज्यादा है, लेकिन केंद्र सरकार जीडीपी को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि नागरिकता बिल जैसे कारनामों को करके देश की जनता का ध्यान बटाने में लगी हुई है।